एनआईएस के अप्रैल 2023 सेशन के पब्लिक एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। इस एग्जाम्स के लिए हम अपना आई कार्ड और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, आइए देखते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपका एजुकेशन डॉक्टर अमरीक सिंह, ब्रिलियंट एकेडमिक सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनआईएस के अप्रैल 2023 सेशन के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, परंतु ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता कि उनका आई कार्ड कैसे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साइबर कैफे से एडमिशन करा रखा होता है या फिर किसी भी एजेंट से एडमिशन करा रखा होता है। किसी कारणवश उनको अपना रोल नंबर तो मिल जाता है, परंतु आई कार्ड वगैरह जो है वो पता ही नहीं होता। मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आते हैं, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ तो आपका आई कार्ड कहाँ पर है, तो उन्हें पता उन्हें सिर्फ यही होता है कि नहीं सर, हमें तो सिर्फ यही मिला था, सिर्फ हॉल टिकट पता है हमारे पास, हाँ यही है, और आई कार्ड का कोई नामो निशान नहीं है। यानी उनको पता ही नहीं कि आई कार्ड मतलब कैसे लेना था। तो जो आप अगर आपने एडमिशन ले रखा है, आपके पास वैलिड रोल नंबर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आई कार्ड जो है वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जब हम उस लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो इसको आई कार्ड को डाउनलोड करने के लिए हम सबसे देखिए राइट हैंड साइड में स्टूडेंट लॉगिन में चले जाएंगे। देखिए, जैसे हम स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आया। तो इसमें अगर आपको अपना लॉगिन आईडी पता है, यानी आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड पता है, तो यहाँ पर हम वो डाल के अपना जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आपको वो नहीं भी पता है तो भी मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने ये लॉगिन आईडी डाली है और इसको जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देखिए, ये हमारा जो नेक्स्ट इंटरफेस आया है उसमें हमारे पास ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है। ये हमारा लॉगिन हो चुका है अकाउंट, ये नाम आ गया है बच्चे का देखिए, और इसमें देखिए प्रिंट वाले कॉलम में आई कार्ड देखिए लिखा आ रहा है। तो जैसे ही हम आई कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो आई कार्ड उस बच्चे का आ जाता है, और इसको फिर हम आगे प्रिंट करके अपने पास सेव कर सकते हैं। देखिए, ये बच्चे का आई कार्ड आ गया, इसको हम प्रिंट पे जाएंगे और फिर इसको हम सेव एज पीडीएफ अपने पास सेव करके रख लेंगे। ठीक है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं है तो हम इस बच्चे का या फिर किसी भी बच्चे का अपना आई कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हम दोबारा से स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पर हमें यूजर नेम और ईमेल आईडी नहीं डालना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। देखिए, यहाँ पर नीचे आ रहा है लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे किसको हमने देखे, नेक्स्ट इंटरफेस में हमारे पास तीन कॉलम आ गए हैं, रेफरेंस नंबर या एनरोलमेंट नंबर, दोनों में से कोई एक डालना है, और साथ में हमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये देखिए, मैंने बच्चे का एनरोलमेंट नंबर डाल दिया और यहां पर हमें इसकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद देखिए, मैं इसको जैसे ही लॉग इन पे करूंगा तो देखिए वैसा ही सेम इंटरफेस हमारे पास आ गया जैसे पहले आया था। यानी वैसे ही यहाँ पर प्रिंट वाले कॉलम में जो है आई कार्ड आ रहा है, हम यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास अगर आप लॉगिन आईडी आपको नहीं बताई गई है, ना आपको पासवर्ड बताया गया है, आपके पास सिर्फ रोल नंबर है, तो डेट ऑफ बर्थ तो आपको अपनी पता ही होती है, तो आप जस्ट अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर इसको लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप अपना आई कार्ड यहां से प्रिंट कर सकते हैं, और कल को कोई भी दिक्कत हो आपको ई सर्विसेज में कुछ भी करने के लिए, यहां पर आप जाके ई सर्विस वाले कॉलम में जाकर इसको
अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मंगाना चाहते हो या कोई करेक्शन है वो सब यहाँ से ठीक करवा सकते हो। और अब आपके पास रोल नंबर आ गया है, अब हम एग्ज़ाम्स के लिए जो एडमिट कार्ड है यानी हॉल टिकट जिसको हम बोलते हैं उसको डाउनलोड करने के लिए हम एग्ज़ाम्स एंड ये रिजल्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे जैसे एग्जामिनेशन में देखिए सबसे नीचे आ रहा है थ्योरी हॉल टिकट, तो थ्योरी हॉल टिकट में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये एनरोलमेंट नंबर है, तो यहाँ पे हम जैसे ही रोल नंबर डालेंगे हॉल टिकट फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन यहाँ पर हम इसको सबमिट करेंगे, तो देखिए उस बच्चे का ये पूरा जो है वो डेट शीट आ गई है। यहाँ से हम उस बच्चे के पूरा इसको प्रिंट करके इसके साथ आई कार्ड और अपना आधार कार्ड ले जाके इस सेंटर पर जाके अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें अपने आई कार्ड वगैरह डाउनलोड करना है और कैसे अपनी हाई का जो हॉल टिकट है उसको डाउनलोड करना है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं हर समय आपकी सेवा के लिए हाजिर रहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे और आप उससे अपडेट रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।